फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है नजरुद्दीन अहमद, तो फॉर एग्जाम्पल NAJR, ये चार लेटर मेरे नाम का पहला लेटर है, और फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1990, ये 1990, तो ये पूरा मेरा पासवर्ड बन गया, ठीक है। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड ऑनलाइन, यानी आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो गाइस, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दीबाजी में घर से निकल जाते हैं और अपना आधार कार्ड घर पे भूल जाते हैं, या फिर आपका रास्ते में कहीं आधार कार्ड चोरी हो जाता है, तो ऐसे में जो है आप अपना आधार कार्ड कहीं भी कभी भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है आप अपने ब्राउजर के गूगल पे आ जाओ और यहां पे सर्च करो uidai.gov.in। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें से आपको यहां पे डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक दे रहा है, डाउनलोड आधार का, बट हम जो है सीधा वेबसाइट पे चल के डाउनलोड करेंगे। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट लिंक है इस पे क्लिक कर दो और यहां पे देख सकते हैं कि पूरा जो है वेबसाइट का इंटरफेस आ चुका है ना। तो देखो यहां पे पहला जो है एक ऑप्शन मिल रहा है माय आधार का, तो उसके बाद आपको जो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन जो है ओपन होगा जिसमें से एक ऑप्शन आपको है डाउनलोड आधार का। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये जो है एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और यहां पे नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा है पहला ऑप्शन डाउनलोड आधार का। तो सिंपली से जो है आपको यहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहां पे आपको तीन तरीका दिया जाएगा अपने आधार को डाउनलोड करने का। पहला जो है आधार नंबर के थ्रू, दूसरा जो है एनरोलमेंट नंबर के थ्रू, और तीसरा जो है वो है वर्चुअल आईडी के थ्रू। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो है हम आधार नंबर से जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो यहां पे इसको सेलेक्ट करके नीचे में जो है आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे जो है आपको जो एक कैप्चा दिख रहा है सिंपली से इसको यहाँ पे एज इट इज फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है सेंड ओटीपी का, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर जो है एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली से उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आधार जो है पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और डाउनलोड हो चुका है। चलो तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं। देखो यहां पे ओपन करोगे तो आपके सामने जो है पासवर्ड मांगेगा। अब यहां पे पासवर्ड क्या होगा, देखो पासवर्ड क्या होगा कि आपका जो भी नाम है ठीक है, उस नाम का पहला चार लेटर ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो ईयर होता है वो ईयर, वो दोनों आपका पासवर्ड बन जाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है नजरुद्दीन अहमद, तो फॉर एग्जांपल NAJR, ये चार लेटर मेरा नाम का पहला लेटर है, और फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1990, तो ये 1990, तो ये पूरा मेरा पासवर्ड बन गया ठीक है, NAJR 1990, ये मेरा पूरा पासवर्ड बन गया। ये यहाँ पे मैं डालूंगा और इसके बाद जैसे यहाँ पे ओपन करूंगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा आधार कार्ड जो है ओपन हो चुका है। तो यार इस मेथड को फॉलो करके आप कहीं भी कभी भी जो है अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली जो है आप इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने इस तरीके से कि बड़ी आसानी से जो है हमने अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत, और हाँ अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।